आप सभी को जी यीशु, आइए हम सब मिलकर इस समय प्रार्थना करें। हम प्रभु की दया में विश्वास करें, जिस प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर हम पापियों के मुक्ति के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दिया। उस महान यीशु के प्रेम को हम महसूस करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें, घुटनों पर आएं और विश्वास के साथ यीशु के कलवरी क्रूस के निकट चलें। अपने पापों का पश्चाताप करते हुए ईश्वर की करुणा में विश्वास करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सब एक मन होकर सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ मिलकर इस प्रार्थना में प्रभु के निकट जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए व कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आप में विश्वास करते हैं। प्यारे प्रभु, आपकी दया में विश्वास करते हुए इस पहले भेद में हम उन सभी नवयुवक और युवतियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, जिनके विवाह में बाधा आ रही है लंबे समय से, जो अपने जीवन में अकेलेपन का शिकार है और प्यारे प्रभु अपने जीवन साथी पाने के लिए काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, उन सभी ऐसे मेरे भाई बहनों को आपके पवित्र चरणों में हम समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र वचन कहता है, उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 18, प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। हे प्रभु यीशु, आपके इस पवित्र वचन की अनंत योग्यता से ऐसे सभी युवक और युवतियों पर आप दया कीजिए और उनके लिए योग्य जीवन साथी आप प्रदान कीजिए। हे प्रभु, इस मनोरथ को बड़े विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे युवक युवतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर
और सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवक युवती पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हम आपकी करुणा में अटल विश्वास करते हैं। हे प्रभु, हमारा विश्वास है जितने लोग आपके निकट आते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से ग्रहण करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस दूसरे भेद में हम उन सभी आध्यात्मिक भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक संघर्ष कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी प्रचारकों के लिए, सभी प्रेयर ग्रुप्स के लिए और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं। हे प्रभु यीशु, जो आप में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें आपकी चाह है प्यारे प्रभु, जो आपकी आत्मा को पाना चाहते हैं, हे प्रभु यीशु, ऐसे सभी हमारे आध्यात्मिक भाई बहनों, बच्चों, माता पिता, सभी प्रचारकों, सभी प्रेयर ग्रुप्स को हम आपको समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। विशेषकर सभी धर्म बहनों, धर्म पुरोहित गणों को भी हम आपकी पवित्र कृपा में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। हे प्रभु, आप हम सभी पर दया कीजिए और हम प्रत्येक के आध्यात्मिक जीवन में आप मजबूती दीजिए। हे प्रभु, क्योंकि आपकी दया अपार है। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र वचन कहता है, आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाए। क्योंकि हमें ये निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। हे प्रभु, हम जितने ख्रिस्त में आप में विश्वास करते हैं, यीशु आप में विश्वास करते हैं, हम सभी को आप आत्मिक रूप से मजबूत बनाइए प्यारे प्रभु। हम प्रत्येक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी है प्रभु, आप हमारी कमजोरियों को जानते हैं। हम हमारी सारी कमजोरियों को आपको समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु, और विश्वास करते हैं कि आप हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत में बदल देंगे। हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं प्यारे प्रभु, हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हे प्रभु यीशु, हम सभी व्यक्तियों को आपको समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु, हम सब पर आप दया कीजिए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए।
यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी विश्वासियों पर दया कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, आप महान हैं। आपने अपने पवित्र वचन में कहा है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो और महत्व रखते हो। हे प्यारे प्रभु, आपने संसार की रचना करी है और संसार में आपने समस्त मानव को अपने ही स्वरूप में बनाया है। सब आपके पुत्र पुत्रियां हैं। हे प्रभु यीशु, इस तीसरे भेद में हम उन सभी लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो निराशा में यानी डिप्रेशन में अपना जीवन जी रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें बार बार निराशाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने जीवन में अकेलेपन जैसा महसूस होता है, प्रेम की कमी महसूस होती है। हे प्रभु, वे अपने जीवन में बार बार किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हे प्रभु, हम उन सभी डिप्रेशन के पेशेंट्स को आपको समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु। हे प्रभु, आपका पवित्र वचन कहता है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र वचन की अनंत योग्यता से हम सभी निराश लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप इन सभी पर अपना हाथ बढ़ा दीजिए और इनके जीवन से हर एक डिप्रेशन की आत्माएं निकल जाएं। प्रभु, आपके पवित्र नाम से इनके जीवन से सारी चिंताएं खत्म हो जाएं। प्रभु, आप इन्हें छूकर शांति प्रदान कीजिए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है तुम अपना सारा बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हे बोझ से दबे और थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु यीशु, हम आपके वचनों में अटूट विश्वास रखते हैं प्यारे प्रभु। आप इन सभी के बोझों को उठा लीजिए और इन्हें जीवन में शांति प्रदान कीजिए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे निराश लोगों पर दया कीजिए। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। हे पवित्र यीशु, हमें प्रेम करने वाले प्रभु, आप ही हमारे सच्चे चरवाहा हैं, हमारे जीवन के सर्वस्व है।
हे प्रभु, आपने समस्त सृष्टि को बनाया और सबको आप ही संभालते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस पवित्र चौथे भेद में हम उन सभी अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो प्यारे प्रभु किसी न किसी अनाथालय व आश्रम में रहते हैं। प्रभु, ऐसे सारे बच्चे और ऐसे जितने भी विधवा स्त्रियां हैं, उन सब के जीवन में प्यारे प्रभु अकेलापन और प्रेम की कमी है। प्यारे प्रभु, हे प्रभु यीशु, इन सभी पर आप दया कीजिए, क्योंकि प्यारे प्रभु यीशु, आप ही सभी को संभालते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका पवित्र वचन स्त्रोत 146 पद संख्या 9 में कहता है, प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है, वे अनाथ तथा विधवाओं को संभालता है। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र वचन की अनंत योग्यता से आप इन सभी पर दया कीजिए। हे प्रभु, इन सभी अनाथ बच्चों और विधवाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व उज्जवल भविष्य के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इन सभी पर आप दया कीजिए, अपना करुणा में हाथ आप इन सभी पर बढ़ा दीजिए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हम आपके असीम प्रेम में विश्वास करते हैं। हे प्यारे प्रभु, इस पांचवें भेद में हम उन सभी कैदियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो जेल या बंदी गृह में किसी न किसी अपराध के कारण सजा पा रहे हैं। हे प्रभु, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, उनका कोई ध्यान नहीं रखता है। हे प्रभु, आप सबसे प्रेम करते हैं, उनके अपराधों को आप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, उनके आंतरिक घावों को भी आप चंगा कीजिए, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं व बंदियों को मुक्ति व अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। हे प्रभु, आपके इस पवित्र वचन की अनंत योग्यता से हम उन सभी कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप उनके मन परिवर्तन होने के लिए उन पर दया कीजिए, उनके पापों को आप क्षमा कीजिए। प्यारे प्रभु, इस मनोरथ के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तुझे चढ़ाते हैं। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुख भोग के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण
दुखों के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। यीशु के अति दारुण दुखों के द्वारा हम पर और सभी कैदियों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु दया कर। प्रभु दया कर। क्रिस्त दया कर। क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। प्रभु दया कर। क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर संसार की मुक्ति दाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। ईश्वर की दया जो सृष्टि कर्ता का सर्वश्रेष्ठ गुण है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो मुक्ति दाता की महानतम पूर्णता है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पवित्र आत्मा का अगाध प्रेम है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पवित्रतम तृत्व का आग्रह रहस्य है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो सर्वोच्च की महानतम शक्ति की अभिव्यक्ति है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो स्वर्गीय सृष्टि क्रम में प्रकट हुई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमें शून्यता से अस्तित्व में लाती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमें अमर जीवन प्रदान करती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमारे पापों के दंड से हमें बचाती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पापों के गर्त से हमें उठाती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो शरीरधारी शब्द के द्वारा हमें पापों के दंड से मुक्त करती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो क्रिस्त के घावों से प्रवाहित होती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो यीशु के पवित्रतम हृदय से उमड़ती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो परम धन्य कुमारी मरियम को दया की माता के रूप में हमें प्रदान करती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो दिव्य रहस्यों में प्रकट की गई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पावन संस्कारों की स्थापना में निहित है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो विश्वव्यापी कलीसिया की स्थापना में प्रकट हुई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो बपतिस्मा एवं मेल मिलाप के संस्कारों में मानव जाति को प्रदान की गई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमें सच्चा विश्वास प्रदान करने में प्रकट की गई है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो पापियों के मन परिवर्तन में प्रकट होती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो धर्मियों के पवित्र करण में प्रकट होती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो संतों की पवित्रता में पूर्णता पाती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो रोगियों और दुखियों के लिए स्वास्थ्य प्रदजल स्रोत है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो संतृप्त हृदयों की सांत्वना है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो निराश हृदयों के लिए आशा का स्रोत है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो सर्वत्र सभी लोगों का साथ देती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो हमें कृपाओं का पूर्वाभास देती है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो मरणासनों की शांति है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए विश्रांति एवं मुक्ति है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो मुक्ति प्राप्त आत्माओं का दिव्य आनंद है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो सारे संतों का मुकुट है, हम
तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर की दया जो चमत्कारों का क्षय स्रोत है, हम तुझ में आसरा रखते हैं। ईश्वर हे ईश्वर के मेमने, तू प्रतिदिन यु क्रिस्त में दया पूर्वक स्वयं को हमारे लिए अर्पित करता है। दया पूर्वक हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने, तूने क्रूस पर मरते हुए संसार की मुक्ति के लिए अपनी असीम दया प्रकट की, हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू अपनी अनंत दया से संसार के पापों को हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की करुणा में दया उसके सभी कार्यों पर छाई रहती है, मैं सदा सर्वदा उसका गुणगान करता रहूंगा। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तेरी दया असीम और तेरी दया का स्रोत अक्षय है, तो दया पूर्वक दृष्टि डाल और हम में अपनी दया की वृद्धि कर, जिससे हम उन कठिन परीक्षाओं के बीच भी कभी निराशा में न पड़े, बल्कि सदैव आशा पूर्वक स्वयं को तेरी पवित्र इच्छा के साथ एक कर सके, जो कि दया स्वरूप है। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा, जो दया में राजा है, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग हम पर दया करते हैं। आमीन। आइए हम करुणा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ़ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु यीशु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक करे, आप हमें अपना बनाकर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित करें। आमीन। सभी को जय यीशु। आप सभी से एक निवेदन है कि आप इस करुणा विनती को जितने लोगों को हो सके व्हाट्सएप मैसेंजर और पर्सनल मैसेज के द्वारा शेयर कीजिए, क्योंकि हम जब भी प्रभु की प्रार्थना को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं तो बहुत से लोग ज़रूरतमंद हैं जिन्हें भी इस प्रार्थना की आवश्यकता है। तो कृपया आप इस प्रार्थना को जितना हो सके कम से कम 5-10 लोगों को आप शेयर कीजिए, और प्रभु की आशीष आपके ऊपर विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते ज़रूर आएगी। आप सभी को जय यीशु।